उसमें चेतन और बुद्धि के योग से अहम का स्फुरण होता है। बुद्धि और चेतना, इसको महत्त्व कहते हैं। महत्त्व और चेतन के योग से अहम स्फुरण होता है। उस अहम स्फुरण में, अहम स्फुरण जब मन में मन को पकड़ता है और मन इंद्रियों को पकड़ती है, इंद्रियां संसार को पकड़ती है, यही ऊपर से नीचे की ओर गति है। इस गति में उतर करके दुष्परिणाम भोग करके अगर कोई शांति आनंद और मुक्ति चाहता हो, इतना ही साधन है, चाहे थोड़ी देर करो, चाहे बहुत देर करो, चाहे सदा करो। इंद्रियों को विषयों से हटा लो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये याद ना आए, इंद्रियों का काम समाप्त हो गया। और मन को इंद्रियों से हटा लो, और मन को फिर बुद्धि को मन से हटा लो। इंद्रियों से संबंध टूटने पर विषय का बंधन, विषय रसास्वाद समाप्त हो जाता है। मन से संबंध तोड़ने पर सुख दुख की हर्ष शोक की मान अपमान की अनुभूति का संबंध समाप्त हो जाता है। बुद्धि से संबंध तोड़ने पर विचार संसाराकार जगदाकार बन रहे हैं वो समाप्त हो जाता है। बस इसी के बाद अहम रह जाता है। अहम ज्ञान बस इसी को गीता में कहा है, आत्मा को परमात्मा में लगाओ, यही योगानुभूति है। आत्मा को परमात्मा में लगाता है, भगवान ने कहा है आत्मा को परमात्मा में लगाना। अभी आत्मा परमात्मा में नहीं लग रही है, अभी तो अहम जो है वो मन को पकड़े हैं, मन इंद्रियां को पकड़े हैं, इंद्रियां विषयों को पकड़े हैं, विषयों से जगत का संबंध हो चुका है। इस तरह से हम अधोगति है ये, और ऊपर जाना हो तो ये क्रम है उत्थान का। ये भगवान ने कहा है कर्मों निवाज कारस्ते मां फलिस कदाचन, वो तो उन लोगों के लिए कहा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कर्म करे और कुछ चाहता न, तब उनको सावधान किया है। और कौन लोगों को जो ये कहते हैं कि हमारे दुख कैसे मिटेंगे, भय कैसे मिटेगा, चिंता कैसे मिटेगी, शांति कैसे मिलेगी, स्वतंत्रता कैसे सुलभ होगी, तो उनके लिए कहते हैं जहाँ हो वहीं से लौटो। कहाँ हो, अभी फल की आशा से प्रत्येक कर्म हम लोग कर रहे हैं। फल की आशा छोड़ दो, कर्म करो, और जब फल मिले तो उसका भी त्याग करो। ये किसके लिए कहा जा रहा है? जो कहता है परमात्मा परम शांत परमानंद की प्राप्ति कैसे होगी, उससे कहा जा रहा है तुम फल की इच्छा क्यों करते हैं? परमात्मा कोई फल तो नहीं है, वो तो आनंद स्वरूप है, वो तो नित्य। इंद्रियों से विषयों को हटाने से अच्छा रसास्वाद लेना है तुम्हें, परमात्मा क्या जरूरत, आनंद की क्या जरूरत, शांत की क्या जरूरत? रसास्वाद ही तो जगत से बांधी हुई है। रसास्वाद के ही के कारण शब्द से बंधे हैं, रूप से बंधे हैं, और स्वाद से बंधे हैं, बंधेंगे नहीं, स्पर्श से बंधे हैं। हमको किसने बांधा? परमात्मा ने तो बांधा नहीं, परमात्मा ने बांधा नहीं। हम स्वतंत्रता पूर्वक अपने से भिन्न में हम सुख चाहते हैं, बस यहीं से हम बंध गए। अगर हम किसी से कुछ नहीं चाहते हैं, संसार हमें कभी नहीं बांध सकता, संसार हमें कभी दुख नहीं दे सकता, कभी हमें अशांति नहीं हो सकती, एक ही बात है, अगर हम किसी से कुछ नहीं चाहते हैं। इसीलिए आनंद तो सबको सुलभ है, इसी को स्वाधीन प्रसन्नता कहते हैं। आज हम इतने भी सावधान नहीं है कि हम अपनी प्रसन्नता कितनी छोटी छोटी बातों में निर्भर कर देते हैं। थोड़ा ध्यान दो, हम लोग जितने लोग बैठे हैं, सवेरे से नींद खुली, अब हमारी प्रसन्नता कहाँ निर्भर है? कहीं ना कहीं कुछ देखने में, कुछ सुनने में, किसी से मिलने में, कहीं ना कहीं प्रसन्नता निर्भर है। इस प्रसन्नता, यही प्रसन्नता हमें पराधीन बना देती है। मांग है स्वाधीनता की, और हम हो रहे हैं पराधीन। बड़ा छोटा सा वाक्य है, हम विचार नहीं करते, क्योंकि बुद्धि इतनी जड़ है, और बुद्धि जड़ता के कारण जो यथार्थ दर्शन है वो नहीं कर पाती, यथार्थ दर्शन वो नहीं कर पाती, जैसा देखना चाहे वो नहीं देख पाती। इसीलिए वशिष्ठ जी ने भगवान को सावधान किया है, जिनकी बुद्धि दृष्टि नहीं उनको तो अंधे ही समझो। जहाँ विचार नहीं है परिणाम का, जहाँ विवेक नहीं है सत असत का,
जड़ चेतन का, नित्य नित्य का, उनको तो दो दो आंखें के खुले होने पर भी अंधा ही समझो। कुछ बंदे वो देखते तो नहीं, पकड़े हुए हैं हम लोग बाल्यकाल से, पकड़ते चले आ रहे हैं, मेरा मेरा मेरा, कहीं सुख पकड़ लिया और सुख पकड़ लिया दुख के साथ है, कहीं सम्मान पकड़ लिया तो अपमान के साथ है, कहीं शरीर पकड़ लिया तो बिना सुख के साथ है। कौन बच सकता है? अपने से अलग हो करके संसार की किसी वस्तु किसी व्यक्ति पर सुख निर्भर करने वाला कहाँ स्वाधीन? भगवान दर्शन देंगे तब भी वो स्वाधीन न हो पाएगा, स्वतंत्र न हो पाएगा, वो अशांति से मुक्त न हो पाएगा। वही हम लोगों का हाल है। हमको किसी ने पराधीन बनाया नहीं, हम स्वयं पराधीन हो गए हैं। कब? अपने को भूल करके, अपनी महिमा को भूल करके, अपने स्वरूप को भूल करके हम पराधीन हो रहे हैं। मौज है हमारी। अब दुख की, जब चाहते हैं सुख अब आता है दुख, चाहते हैं संयोग होता है वियोग, चाहते हैं लाभ होती है हानि, चाहते हैं युवावस्था होता है बुढ़ापा, चाहते हैं सदा रहने वाला और दुख मिलता है न रहने वाला। अब क्या करें? यही है प्राकृतिक विधान, बड़ा मंगलमय है। प्रकृति अहम अणु को, चिद अणु को, चैतन्य रूपी अणु को प्रकृति से लिपट गया। वो प्रकृति मानो जबरदस्ती ढकेल रही है पूर्णता की ओर। आज हम जाने हजारों जन्मों के बाद यहाँ आए हैं, जब अपनी चर्चा सुन रहे हैं, ये अपनी चर्चा है, अपनी बात सुन रहे हैं। अपनी बात तो सुन रहे हैं लेकिन अभी हमारा पर से संबंध नहीं टूटा है। बात तो सुनते हैं, अपनी सुनते ही नहीं, अपनी सुनते हैं। तब अपनी बात सुनने में क्या लगता है? यह देह, ये इंद्रियां, ये विषय, ये मन, ये सुख दुख, कहां बुद्धि से विचार कर पाते हैं? बुद्धि नहीं है तो बुद्धि न होने के कारण जो देखना चाहिए वो नहीं देख पाते, जो पकड़ना चाहिए न पकड़ना चाहिए हम पकड़े दिए। जहां मेरा कहा हम पकड़ लिए। आज तक मेरा हमारा छूटा, मेरा हमारा छूटा? कितनी गीता सुनी, कितनी भागवत सुनी, कितनी बार रामायण पढ़ी, गुरु के संग में बैठे, मेरा अभी तक नहीं छूट रहा। अब बताओ कौन मुक्त करेगा? कोई मुक्त न करेगा। मेरा जितनी देर मेरा छोड़ दे हम मुक्त हो जाएंगे, चाहे घंटा भर, चाहे एक दिन, और चाहे महीना भर, और चाहे पूरा जीवन। मेरा छूट जाए हम मुक्त हो गए, और मेरा आ गया हम बंधन में पड़ गए। कितनी सरल मुक्ति, सोचो आप लोग। छूटता नहीं, छोड़ते नहीं। कौन वस्तु तुम्हें पकड़े है? तुम वस्तु को पकड़े हो कि वस्तु तुम्हें पकड़े है? तुम मेरा तन कहते हो, तन भी कहता है हम तुम्हारे। तुम कपड़ों को मेरा कहते हो, कपड़े कहते हैं हम तुम्हारे। तुम मकान भूम भवन को कहते हो कि मकान भूम भवन कहते हैं हम तुम्हारे। कोई कहीं से आवाज आती है? एक बात तुम कह सकते हो कि पुत्र कहता है हम तुम्हारे पुत्र हैं। वो पुत्र जो कहता है वो भी तो नहीं जानता है, मेरे का उसे ज्ञान पता नहीं है। तो किस पत्नी कहती है हम तुम्हारी हैं? पत्नी से पूछो तुम हमारी किस बात पे हो? अपने देह को सामने रख रही है, तुम्हारी है। तो जिस पत्नी का देह पर अधिकार न हो, जिस पति का देह पर अधिकार न हो, देह जो बदलती चली जा रही हो, उस देह को दिखा करके कोई पत्नी कहे पति से हम तुम्हारी है, और कोई पति कहे पत्नी से कि हम तुम्हारे हैं, महामूर्खता है। और दोनों भूले हुए एक दूसरे के झूठ पर विश्वास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कि नहीं? कहाँ से आवाज आई कि हम तुम्हारे? कहीं आवाज नहीं आती। आवाज तो आती है लेकिन जिससे आवाज आती है वो खुद उसको पकड़े हुए है जो उसका नहीं है, ऐसा कि नहीं? तो छूटता नहीं कि छोड़ते नहीं? ये आसक्ति के कारण नहीं छूटता। अरे भाई मेरा कहा नहीं कि शक्ति हो गई, आसक्ति हो गई? मेरा कहा नहीं कि चाह जितना हम ज्ञान की बातें सुने, भगवत गीता सुने, ये मेरा जब तक नहीं छूटेगा तब तक ममेति परम दुखम निर्ममेति परम सुखम। इसे बाहर कुछ नहीं त्याग करना, घर का त्यागी त्यागी न होगा, धन का त्यागी न होगा, परिवार छोड़ करके हिमालय गुफा में जाने वाला भी त्यागी न होगा। त्यागी तो वही होगा जो अपना कुछ नहीं मानता, अपना कुछ निर्मम निरहंकार। जब ममता न रहेगी तो अहंकार रहित हो जाएगा। बड़ा छोटा सा शब्द भगवान का है। ममता रहते अहंकार के आकार से हम रहित नहीं हो सकते। कुछ भी करें, पढ़ें लिखें, जप करें, सब करें, तीर्थ जाएं, मंदिर में बैठे मंदिर बनवा डाले, भगवान के दर्शन करें, अर्जुन कर रहे थे, दुर्योधन कर रहे थे, लाखों आदमी कर रहे थे, लेकिन ममता से भीतर भगवान से बाहर, भगवान का ज्ञान घुस रहा था। निर्ममो निरहंकार। जब ममता में रहेगी तब आकार समाप्त हो जाएंगे। इतना सरल उपाय है आकार समाप्त होने का, निरहंकार होने का। ममता मेरा कुछ न मानो। अभी अभी बैठो, अभी अभी यहाँ ठहरे हुए हो, इतना बड़ा शहर है, इतने मकान है, जहाँ मेरा नहीं मानते हो, कहीं आपका आकार है कि मेरी कोठी बड़ी अच्छी बनी, ये मेरा मंदिर? जो जो ही कहता है
अगर वो ये मानता है कि ये मंदिर हमारा बनाया हुआ है, चाहे मंदिर दर्शन करने ना आवे, हजारों मील दूर रहता हो, वहाँ से भी बैठे बैठे सोच रहा है मेरा मंदिर हर द्वार में बना है, वो मेरा के कारण बंधा है, और यहाँ रहने वाला मेरा नहीं मानता है, वो मुक्त है, तो हमको बांधा किसने? मेरेपन ने, और मेरापन हमी से उत्पन्न हुआ, उसी से हम बंधे, मेरा छूट जाए बंधन से मुक्त हो गए, बंधन से इतना छोटी सी युक्ति है बंधमुक्ति की, लेकिन मेरा छूटता नहीं, बंधन से मुक्त हो सकते नहीं, तो कोई मुक्त कर सकता नहीं। परमात्मा के जो पदार्थ हैं वो मिलेंगे छूटेंगे, वो तो छूटेंगे, उनको हम रख सकते नहीं, अभी देख रहे हैं कि रहेगा कुछ नहीं, और फिर भी मेरा मानते चले जा रहे, पुत्र नहीं रहा, लोग कहते हमारा पुत्र, हमारा पुत्र नहीं रहा, हमारी पत्नी नहीं रही, हमारे पति नहीं रहे, अब भी मेरापन नहीं छूटता, मेरे पति नहीं रहे, मेरी जमीन नहीं रही, मेरी जायदाद नहीं, कितना यानी अज्ञान है। अज्ञान की परिभाषा क्या है भाई, किसी को याद है? अज्ञान की सरल परिभाषा क्या है? ज्ञान घट गया है, ज्ञान होना नहीं है, ज्ञान यहाँ आकर के आपको प्राप्त नहीं करना, तुम ज्ञान ही हो, लेकिन ज्ञान में तुमने जो मेरा मान लिया है उसी से ज्ञान घट गया, कितनी सी सरल बात। अरे 10-15 मिनट 8 घंटा तो मुक्ति का आनंद ले लिया करो, जिस समय मन शांत हो उस समय आत्मा को परमात्मा कैसे लगाएगा? अरे बाबा, मन में जब कामनाएं नहीं हैं तब बचे तुम, अब तुम सोचो हम कौन हैं, पहले ये प्रश्न हल करो, हम क्या रूप, किस रूप में बचे, पत्नी रूप में बचे कि माता रूप में बचे कि सास रूप में बचे, तब तो बात गड़बड़ हो गई। इसलिए बुद्धि से जब समझोगे तो पता चलेगा कि परमात्मा, पहले तुम अपने में पहुंचो हो, अपने में ठहरो तो तब आत्मा परमात्मा का योगानुभव हो सकेगा, वरना इसे सुना करो आत्मा को परमात्मा में लगाओ, कोई वस्तु थोड़े है कि यहाँ से उठा के यहाँ लगा दिया, तो तुम्हारा ख्याल है, तुम्हारे चेतना में जो भर गया है, चेतना में जो चेतना तुम्हारी जो ढक गई है, या दूसरे शब्दों में बुद्धि, बुद्धि जो विचारों से ढकी हुई है और वासनाओं की आंधी से जो चंचल हो रही है, तो वासना की आंधी समाप्त हो जाए और विचारों की धूल उससे हट जाए, तब दर्शन होगा किसका? अपना, मैं कौन हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न, भगवान कहाँ हैं, भगवान कैसे हैं, भगवान कहाँ मिलेंगे, ये तो लाखों लोग भगवान को खोज रहे हैं और खोजने वाले अभी अपने को ही नहीं जान पाए, मैं कौन हूँ। तो जिसे खोजने वाले का पता नहीं और भगवान का पता लगा हुए, यही भूल चल रही है हमारे संसार में, कि खोज हो रही है, साधन चल रहे हैं, जब कीर्तन पूजा पाठ चल रहे हैं, और खोजने वाला यही नहीं जानता कि मैं हूँ कौन। और उनमें से हम ही लोग बैठे हैं, कुछ माने बैठे हैं, किसी के बेटा है, किसी के पिता है, किसी के पति है, किसी की पत्नी है, ये भीतर ज्ञान में भर गया है, ज्ञान में भर गया है, जो ज्ञान थक गया है, अब प्रश्न होता है भगवान कहाँ मिलेंगे। सुना सुनाया भगवान पकड़ लिया, किसी के राम भगवान, किसी के कृष्ण भगवान, बुद्धों के और भगवान, जैनियों के और भगवान, सब भगवान भी तमाम है, बस जो जैसा मानता है अपनी स्वीकृत से उसी के अनुसार वो खोज कर रहा है। लेकिन सावधान वो है जो खोज करने वाला अपने को खोज ले कि मैं इस देह में कहाँ हूँ और क्या हूँ। इस देह में दूर नहीं, क्योंकि हम देह में तो देह से ही हम बोल रहे हैं, देह से ही हम सब कुछ कर रहे हैं, तो हम देह में कहाँ हैं और हमारा रूप क्या है, पहली खोज तो ये होनी चाहिए। और फिर ये जो चल रहा है तो चलेगा ही, और चलेगा जीवन भर चलेगा, पूजा चलती रहेगी, पाठ चलते रहेंगे, क्या होगा, कुछ अंशों में पाप से बच जाएंगे, पुण्य होने लग जाएंगे, पाप से बच जाएंगे तो दुख ना आएंगे, पुण्य होने लग जाएंगे तो सुख आएगा, और जो आएगा वो रहेगा नहीं। पुण्य से जो धन मिलेगा, पुण्य से जो फूल मिलेगा, तन मिलेगा, जो मिलेगा रहेगा नहीं। क्या ख्याल है आपको, पुण्य से कितना मिला? जितने लोग बैठे हो सब पुण्यवान हो, तुम मजदूरी नहीं करते हो, सड़क में झाड़ू नहीं लगाते हो, कंकर ईंटा पत्थर नहीं ढोते हो, इतने पुण्य तो है ही कि तुम्हें बहुत कुछ मिला है, वो पुण्य से मिला है, कर्म से मिला। अब जो मिला है ये रहने वाला नहीं है, अब तुम तो रहोगे, इतना ही होश आ जाए। तो हमारा ज्ञान झटका हुआ है, हमारा प्रेम फंसा हुआ है, हमारी शक्ति गलत दिशा में लग रही है, तीन चीजें, शक्ति लग रही है भोग में, और ज्ञान धक्का है मेरा मानने वाले पदार्थ में, और प्रेम दौड़ रहा है सुख के पीछे, ये मिल जाए सुख मिलेगा, ये मिल जाए सुख मिलेगा, यानी अपने सुख को हमने किसी न किसी वस्तु में, किसी न किसी संबंधी में निर्भर कर दिया है। आदत ऐसी पड़ी हुई है कि चाहे इतना सुनो, अभी छूटेगी नहीं, छूटेगी कब, जब दुख की कृपा होगी,
दुखी की कृपा क्या है, जो तुम पकड़ोगे उसी में जब दुख दिखाई पड़ेगा तब सुख। अभी तो सुख दिखाई पड़ रहा है, घर से आए घर हरिद्वार में सुख दिखाई दे रहा है, हरिद्वार में आए तो अपने महात्माओं के दर्शन में सुख दिखाई दे रहा है, महात्माओं के दर्शन करते करते फिर अपने गुरुदेव में सुख दिखाई दे रहा है, दिखाई दे सब पराधीनता सब करते। जब तक हम अपने से भिन्न में सुख की प्रतीति के पीछे दौड़ेंगे तब तक हम पराधीन हैं, हमारी प्रसन्नता पराधीन है। कई अपनी बात है, आप लोगों में कोई स्वाधीन है जहाँ जितनी दौड़ भाग है वो बता रही पराधीनता, जहाँ कुछ चाहते हो पराधीनता, जिसके लिए चलते हो, जिसको पकड़ते हो, जिसको छोड़ते हो, सब पराधीनता। स्वाधीनता में तो बाहर न कुछ छोड़ना है न पकड़ना है, खाली देखना है, देखना है बस, देखना आ जाए बस मुक्ति भक्ति शांति सब सुलभ हो जाए। देखना आता नहीं, कभी गलती नहीं की, लगता है हम बड़े ज्ञानी हैं, लगता है हम बड़े भक्त हैं, लगता है हम भगवान का भजन करते हैं, लगता है हम बड़े प्रेमी हैं, अनन्य प्रेम है हमारा, कोई कहता है हम पति की बड़े भक्त हैं, कोई कहता है हम पिता के बड़े भक्त हैं, कोई कहता है हम गुरु के बड़े भक्त हैं, कोई कहता है भगवान के भक्त हैं, ये अहंकार बोल रहा है कि हम बड़े भक्त हैं बड़े प्रेमी हैं। अहंकार की भाषा है, और अहंकार अपने को जानता नहीं है, आकारों को लिए हुए और अकड़ रहा है मैं हूँ ये मेरा है, मैं हूँ ये मेरा है। कहीं आप बेटी बन गए, कहीं बहन बन गए, कहीं बहू बन गए, फिर आगे चल करके माता बन गए, फिर सास बन गए, बनते बनते सब बिगड़ने लगा, पहले एक एक बढ़ा सब बनते गए और फिर उसको घटा बिगड़ते गए। वृद्ध माताओं से पूछे कहाँ पहुँचे, बनते बनते कहाँ पहुँचे, यहाँ तमाम वृद्ध माताएं देखी, पहले तो बने और जो बने वही बिगड़ा, और बिगड़ा तो हाय हाय कर रहे हैं ये क्या है, और वही तुम्हारे आस पास हैं और उनको देख करके होश नहीं आता कि इतनी उम्र बिताने के बाद बहुत कुछ खाना खाने के बाद पीने के बाद बहुत कुछ अपना मानने के बाद ये अंत में हाय हाय कर रहे हैं, तो हमारी क्या दशा होगी, हम उन्हीं के पीछे तो चल रहे हैं, इतना भी होश नहीं आता, कहूँ सकता है उन्हीं के पीछे चल रहे हो ना कौन जो बंधे हुए, और ये भी इतना भी याद नहीं आता जब इनको इतना ज्यादा मिला है और ये शांत तृप्त नहीं है, तो अभी तो हमें बहुत कुछ करना है, जब कर्म करेंगे पूर्ण होंगे तब रूप मिलेगा, सब संयोग मिलेगा, सब संबंधी मिलेंगे, अच्छी पत्नी मिलेगी, अच्छे पति मिलेंगे, अच्छी संपत्ति मिलेगी, तो वो जो हमको मिलेगी वो बहुतों को मिल चुकी है, और जिनको मिल चुकी है वो कहाँ है, अशांत है, अतृप्त है, बंधन में, और हम वही चाहते हमको मिले। फिर जब साधु बन गए तो ये सिद्धि कैसे मिलेगी, ऐसे महात्मा कैसे बनेंगे, ऐसे त्यागी कैसे बनेंगे, ऐसे तपस्या, फिर एक नकल शुरू हो गई, त्याग की तप की जाने कितना विस्तार है अज्ञान में। ये सहज योग सहज योग का मतलब है जिसमें तो बिना किए ही जो प्राप्त हो उसको सहज कहते हैं, सहज शब्द के ही परवाह है, बिना कुछ किए जो मिला है वो सहज है। तो योग बिना कुछ किए ही मिला है, भोग करने से मिलेगा, संयोग करने से मिलेगा, योग तो प्राप्त ही है, उसको देखने की ये दृष्टि प्राप्त करना उस समय सहज योग, सहज समाधि, जहाँ कुछ बिना किए ही बुद्धि स्थिर हो जाए सहज समाधि, साधु सहज समाधि भली सहज योग। सहज का मतलब है जिसमें करना न पड़े, श्रम न हो, और होता वही सहज। आप धड़कन चलाते हो कि चलती है, अब ये सहज है कि कठिन, लेकिन जब आप प्राणायाम करना चाहते हो तो कुछ करना पड़ जाएगी ना, इसी तरह सोच लो जो भी आपको मिला है उसे जब करते हो तो श्रम है, और बिना किए धड़कन चल रही है, बिना किए रक्त बन रहा है, बिना किए आपकी भूख लग रही है, और बिना किए आपके दांत चल रहे हैं, बिना किए आप कैसे हम न करें तो मुँह में अन्न कैसे होता, तुम कर रहे हो कि हाथ उठा लिए जा रहे हैं भोजन, भोजन का ग्रास मुँह में जाता है ना, तो अपने आप किया कि तुमने किया, हाथ ले जाए, अगर ये समझ में आ जाए कि हम कुछ नहीं करते हैं ये सब हो रहा है, ये सहज ज्ञान, सहज ज्ञान में दर्शन है, जब हम कर्ता बने तो हम बंधन में आ गए, और कर्ता न बनो दृष्टा बनो तो ऐसा लगेगा हो रहा है हमारे किए बिना, और फिर आप जहाँ अहंकार कर्ता बना है उसको देखो उसके पीछे है, तो अहंकार के पीछे जब जाओगे तो अहंकार वो कर ही नहीं सकता जो बिना किए हो रहा है, जैसे भोजन तो तुम करोगे, अब भोजन पचाएगा कौन, तुम रक्त बनाएगा कौन, शरीर में ये दौड़ाएगा कौन, तुम ये सहज है कि नहीं, तो सहज को तुम देख ही नहीं रहे,
हम तो करने में व्यस्त है, यहाँ तक कि भजन भी हम करना चाहते हैं। भजन कौन सा भजन करें, किसका नाम जपें, किसका ध्यान करें, ये प्रश्न आते हैं। और सहज जो हो रहा है इसका पता नहीं, वो गुरुजनों की बुद्धि शुद्ध हो, गुरुजनों का संग हो तब पता चलता है। सहज सहज वो है जो तुम्हारे बिना किए हो उसको तुम देखते हो, ये सहज। ध्यान नहीं करना है, ध्यान से देखना है, देखना है, देखोगे तो सहज। ये अभी जो बताया ये सहज ही, तो देखो तो क्या निकला, हम बिना किए हो रहा है सहज है। ध्यान से देखा जाता है, जहाँ ध्यान की क्रिया है वो तो अभ्यास हो जाएगा। भगवान का ध्यान करें, भगवान कृष्ण का ध्यान करें, राम का ध्यान करें, गुरु का ध्यान करें, ये तो अभ्यास हो गया। बिना किए क्या है, तुम्हारे बिना किए क्या सुलभ है उसको देखो। अब ये प्रश्न ही हम नहीं उठाते हैं, हमारे बिना किए कुछ सुलभ है कि नहीं, कुछ प्राप्त है कि नहीं, उस पर कभी ध्यान ही नहीं जाता। नींद खुली की करना शुरू कर दिया, ये करना है ये करना है, जब मिला तो ये मिला। अब बिना किए जो सुलभ है उस पर दृष्टि नहीं जाती, बुद्धि नहीं जाती। ये पढ़ाई लिखाई नौकरी चाकरी में सहयोग कैसे पढ़ाई लिखाई में तुम्हें सहयोग चाहिए ना, तो अब तुम्हें जो सहयोग चाहिए तो पढ़ता कौन है, तुम तो पढ़ भी चुके हो, लिख भी चुके हो, तमाम कर भी चुके हो, कर चुके हो कि अभी करना है, कर चुके। अच्छा, जब कर चुके हो सहयोग, तो सहयोग का मतलब है अब करने का अहंकार जो कर्ता बना है उसको ज्ञान में देखो और उससे अपना पिंड छुटाओ, तब सहयोग की अनुभूति। अब तुम्हें पढ़ाई लिखाई, अगर तुम्हें कह दो मैं पढ़ाना है तो पढ़ाओ, कि पढ़ाना क्या है, जो तुम पढ़े हो वही तो पढ़ाओगे, जो तुम जो जानते हो वही तो जानोगे, इसमें तुम्हारा क्या है। जैसे तुमने संसार में पाया है जो लेने वाले उनको देते रहो, करता ना बनो तो मैंने दिया, जैसे मैंने दिया है तैसे मैं दे रहा हूँ, जैसे मैं चला हूँ तैसे चला रहा हूँ, जैसे मैं सुना हूँ तैसे सुना रहा हूँ। बात समझ रहे इशारा, यानी करना कुछ नहीं, तुम्हें जिस जिस विधि से मिला है उस तरह से अपने पीछे सुनने वालों को वही विधि बता दो, भाई ये विधि है, अब करता ना बोलो। तो तुम सहज में रहो, जो सहज जो है यानी शुद्ध चेतन तत्व नित्य सहज है उसको प्राप्त नहीं करना, परमात्मा प्राप्त नहीं करना, वो सहज है। लेकिन जो प्राप्त करना है वो संसार का है, ये भी याद रखना, जो भी प्राप्त करना है वो संसार का है, और संसार का जो है वो रहेगा नहीं, सब छूट जाएगा, मिलेगा छूटेगा, क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है, ऐसा आपके पास कुछ है ही नहीं जो बदल न रहा हो, और हमारी दृष्टि नहीं जाती, हम उसी को पकड़े हैं, ये मेरा मेरा, और मेरा कहते ही होश ही नहीं है कि मेरा जिसे कहते हैं ये तो क्षण क्षण बदल रहा है, आंखों से नहीं दिखाई पड़ता, बुद्धि से दिखाई पड़ता, छोटे छोटे बालक बैठे हैं ना, तुम कहते मेरी बिटिया मेरा बेटा, और बदल रहा है कि वैसे ही बना है, बदल साल भर बाद बढ़ जाएगा कि तुम बढ़ाओगे, सब अपने आप हो रहा है, ध्यान से देखते ही बिना किए ही सब कुछ हो रहा है, तुम्हें करना भी नहीं पड़ रहा है, और जो करते हो सब गड़बड़, करता अहंकार है तो भोक्ता बनेगा, अब करता न बन करके दृष्टा बनो तब भी होता रहेगा, तुम्हारे किए बिना होता रहेगा, धड़कन चलती रहेगी, सांस चलता रहेगा, मन जिसे मानता है वहाँ प्रयत्न करता रहे, कोई बुलवाए तो बोल दो, कोई सुनाए तो सुन लो, कोई तुम्हें बैठाए तो बैठ जाओ, तुमसे काम कराए इसे कर दो, करता न बनो, इसका हिस्सा है मेरा है। भगवान के जीवन में अगर आप दृष्टिपात करें वहाँ करतापना नहीं है, चाहे भगवान से कोई उद्देश्य सुन ले, और चाहे युद्ध में रथ में बैठा के सारथी बना ले, चाहे उनको नचा ले, चाहे उनको गवाह ले, उनके जीवन में देखो क्या है, अपनी ओर से कुछ नहीं, जैसे जैसे संबंध है वैसे करते चले जा रहे हैं, लगता है क्या है, लेकिन विभाग करके देखो तो स्वयं कुछ नहीं, ऐसी दृष्टि आ जाए तो कोई कठिन नहीं है। नारायण नारायण नारायण, हम लोगों की दृष्टि गलत है, मन से अभी बुद्धि का विकास ही नहीं हुआ है, और जब तक बुद्धि का विकास न हो, दृष्टि बाहर की दृष्टि तो आंख है, बाहर की दृष्टि ये आंख, ये आंख जानवरों की पक्षियों की पशुओं की बड़ी तेज, इस आंख से हम क्या देख पाएंगे, जैसे गिद्ध ऊपर चाहे जितना ऊंचे दिखे, गिद्ध को मांस का टुकड़ा कहीं पड़ा होगा दिख जाएगा कि नहीं, और तुम निकल जाओगे तुम्हें न दिखेगा, इसका मतलब इंद्रियों की शक्ति तो पशु पक्षी में कीट पतंग में बहुत ज्यादा है, मनुष्य की जो विशेष शक्ति है वो बुद्धि,
क्योंकि वो बुद्धि जड़ता में फंसे उसकी हम परवाह नहीं करते। पढ़ भी गए, डिग्री भी हासिल कर ली, डबल एम ए क्या क्या हो गए, शास्त्री हो गए, डॉक्टर हो गए, वैद्य हो गए, जीवन अंधकार में तो है कि नहीं। उसका परिणाम चाहते हैं सुख भोगते हैं दुख, चाहते हैं संयोग आता है वियोग, तब वाह वाह करते हैं कि हा हा करते हैं। तब भगवान सावधान करते हैं, भाई तुम संसार की किसी चीज को तुम अपने ढंग से रोक नहीं सकते, तब क्या करो, मत पीछे पड़ो। संयोग आता है आए, वियोग आता है आए, लाभ आता है आए। सुरक्षा की चिंता मत करो कि लाभ बना ही रहे, तुम्हारे बस की बात नहीं। जवानी बनी रहे तुम्हारे बस की बात है, पति पत्नी माता पिता ऐसे ही बने रहे किसी के बस की बात है। चाहे जितना धन हो, चाहे जितनी शक्ति हो, चाहे जितनी लंबी आयु हो, आज तक कोई देखा कि संसार की किसी संसार से मिले हुए पदार्थों को कोई सुरक्षित रख सका, कोई प्रमाण दोगे? बड़े बड़े संत आए, संत कबीर, संत नानक, संत तुलसीदास, सूरदास, भगवान कृष्ण, राम, सब आए इस धरती पर अपना संदेश दे के चले गए। चले गए कि हैं, और उनका जो ज्ञान है वो है कि वो भी चला गया? ज्ञान है। और तुम्हारी बुद्धि उस ज्ञान में देख रही है कि पकड़ रही है? अब भी गीता पढ़ते हैं पकड़े बैठे हैं मेरा मेरा, रामायण पढ़ते हैं पढ़के पकड़े बैठे हैं मेरा मेरा। रामायण की बात कोई नहीं मानता, और रामायण मानने वाले लाखों, गीता पढ़ने वाले लाखों, गीता की बात निर्ममो निरहंकार सम दुख सुखा समय कौन पकड़ता है? और पकड़े तो कौन रोकने वाला है? सुरक्षित रहेगा कि नहीं? दुख मिट जाएंगे कि नहीं? गुरु ग्रंथ साहब पढ़ने वाले लाखों, गुरु ग्रंथ साहब की बात कौन मानते हैं? कितनी हत्याएं, कितनी लड़ाइयां हो रही हैं, कोई धर्म है? मानते चले जा रहे हैं, जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो परिणाम क्या है? प्राकृतिक ग्रहण से दंड भोगना पड़ेगा, सबको दुख भोगने पड़ेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं सुख और भोगेंगे दुख, ये सबके साथ चल रहा है। तो भाई आपको अब तो दुख ना आएगा कभी? आप लोग इतने बैठे हो, धनी हो, पदाधिकारी हो, सब कुछ तुम्हारे पास तुम्हारे पुण्य से मिला है, अब दुख तो ना आने दोगे? तो हमारे पास हमारे संबंध में ही दुखी हो जाओगे, तुम्हारे मन के प्रतिकूल होगा, हमसे संबंधित। अभी परिवार दूर है, अभी हम हैं, शायद दिन में हमारे ही प्रतिकूल, हम ही से दुखी हो जाओगे कल, जब तुम्हारे मन की कुछ प्रतिकूल होगा तब। अब बताओ ये दुख किसने दिया, हमने दिया कि तुमने मान लिया? यानी इतनी बात कई बार कही चुकी है, सुख सत्य नहीं है, माना हुआ है और तुम मानते ही चले जा रहे हो। दुख है नहीं, तुमने मान लिया है, और दुख से बचने के लिए लाखों उपाय कर रहे हो। सब व्यर्थ है कि अनर्थ है कि सत्य? इतना सुनने के बाद हमारी क्या चेष्टा है? सुख बना रहे, दुख कभी ना आवे, कोई सफल हो सका संसार में? कोई प्रमाण दो दुख कभी ना आवे। उसी के सामने दुख नहीं आया जिसने सुख की चाह का त्याग कर दिया, जो हो गया इतना ही। जिसने सुख की चाह का त्याग कर दिया उसके सामने दुख नहीं आया। आप लोगों में तो शायद सभी अब सुख न चाहोगे, क्या ख्याल है आप लोगों? अरे भाई कोई तो हाथ उठा दो, अब तो सुख न चाहोगे? बच के निकल जाओगे तब जब सुख न चाहोगे, तो बड़ी अच्छी युक्ति है। अब सुख न चाहोगे कब? जब अपने को जान लोगे कि मैं स्वयं आनंद स्वरूप हूँ, मैं परमात्मा में हूँ, और ये सब परमात्मा का है। जब बेईमानी छोड़ दोगे, बेईमानी क्या है? हाय परमात्मा का मान लिया मेरा, मान लिया कि नहीं? परमात्मा से मिला है, तुमने कुछ बनाया है, पुत्र का शरीर, की पति का शरीर, की पत्नी का शरीर, मकान बनाया है, है? अरे भाई कितनी कितनी पहले तो साधारण है, जाने कितने कितने बड़े मकान, बड़ी कोठियां और मिल, जाने क्या क्या बना लिए, बनाया नहीं जी? अच्छा मत यही है घर जाते होगे, और कोई मेहमान आता होगा, जरा सफाई कर लो, कोई देखे तो ऐसा गंदा न पड़ा रहा, कहीं कैसे रही आदमी, नियत होगी कि नहीं? अच्छा ये बढ़िया है, ये बहुत ईमानदारी है। यदि कोई गंदगी न हो, कालीन ठीक बिछा हो, दो दो चार चार हजार कालीनों में लगा दिए, लोग ऐसा न समझे कि वैसे, यानी किसी के त्याग की नकल नहीं करते, किसी के तप की नकल नहीं करते, किसी के ज्ञान की नकल नहीं करते, किसी की सहनशीलता की नकल ये देवियां नहीं करती, नम्रता की नकल ये नहीं करती, साड़ी की नकल जरूर करेंगे,
अंगूठी की नकल जरूर करेंगी, फैशन की नकल जरूर करेंगी, शरीर संबंधी नकल सब करेंगे, और जिससे जो हमें जो सत्य है, शांति है, आनंद की दिशा है, उसकी कोई परवाह नहीं। ये सत्संग है, हम सब लोग सत्संग सुन रहे हैं। अब करोगे क्या? अब कर रहे हो क्या? असत, असत की दिशा में जो ले जाता है वही हो रहा है। कैसा गड़बड़ है? इसका मतलब हम नहीं कहते तुम छोड़ दो कुछ, हमारे कहने का मतलब ये नहीं लगा कि तुम्हारी तरह बाबा बन जाए, एक लंगोटी लगा लें और एक चादर ओढ़ लें, बस हो गया। हम ये नहीं कहते, करो सब, लेकिन सावधान तो रहो, अपने लिए न करो, दूसरों के लिए करो। एक पत्नी अपने लिए श्रृंगार की इच्छा न करे, लेकिन पति के लिए श्रृंगार करे, पति के लिए शरीर को ठीक रखे, पति के साथ चले, पति के मित्र हैं उसको कहीं बेहूदा न कह दे, इसकी परवाह करे। पति श्रृंगार करे किसके लिए? जो श्रृंगार से खुश होता है उसके लिए करे। अपने लिए कुछ न चाहे वो त्यागी, और यहाँ तो अपने ही लिए सब होता है। लोग हमें देखें कि हम कैसी सुंदर हैं, कैसी साड़ी सुंदर है, कैसा जेवर सुंदर है, कैसे हमारे बाल सुंदर हैं। अपने लिए जो करता है भोगी, और दूसरों के लिए करता है वो सेवा पराए, एक शब्द है। तो हमारे कहने का मतलब थोड़ा कुछ छोड़ दो, करो, अपनी प्रसन्नता तुम्हारी निर्भर न हो, तुम रहो परमात्मा में और शरीर रहे संसार में, पृथ्वी में दे ही रहे परमेश्वर में प्राण, पृथ्वी में दे ही रहे और परमेश्वर में, तुम्हारा मन परमेश्वर में रहे, प्राण परमेश्वर में रहे, प्राणों का संबंध परमेश्वर से है और देह का संबंध पृथ्वी से। अब अंत में एक बात कहेंगे, ये मिट्टी के दिए हैं सब, जितने शरीर बैठे हैं ना, जैसे दीपक होता है ना, और दीपक में ज्योत जलती है, तो ज्योत किसकी है? ऊपर की है। और ये दिया मिट्टी का दिया किसका है? मिट्टी का है। दिया जब गिरेगा, जब मिलेगा तो मिट्टी मिलेगा, और ज्योत जब बुझेगी तो जहाँ की है वही। मिट्टी के दियों का कोई भरोसा मत करो, अगर होश रहे सपना, चाहे पति हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पत्नी हो, जो कोई सब मिट्टी के दियों का भरोसा मत करो। पता नहीं कब ये दिए में ज्योत बुझ जाए, अब बुझ जाती है कि नहीं, तो ज्योत बुझती है तो हाय हाय करते हो कि वाह वाह, क्या ख्याल है? अब तो न करोगे, अब ज्योत तुम्हारी नहीं, दिया मिट्टी का मिट्टी में मिल गया, तुम्हारा क्या है? अब तुम ज्योत स्वयं हो कि मिट्टी के दिया हो? अभी प्रश्न और हल कर लेना, तुम परमात्मा की ज्योत चैतन्य ज्योति हो कि मिट्टी के ये थोड़ी ढांचा हो, हड्डी मांस हो? तुम परमात्मा के हो कि धरती के हो? परमात्मा। और देह यहाँ धरती की है कि परमात्मा की? तुम परमात्मा की चैतन्य ज्योति हो, तुम तो परमात्मा में ही रहोगे, चाहे प्रकाशित हो चाहे बुझ जाओ, फिर इन देहों में, फिर इन देहों में, जैसे फिर मिट्टी की दीयों में ज्योत जलती रहेगी, जलती रहेगी कि नहीं? हजारों बार जलेगी ज्योत तो बुझेगी, लाखों बार जलेगी बुझेगी, मिट्टी की दिया मिट्टी में रहेंगे, ज्योत परमात्मा से प्रकाशित होगी, फिर मिल जाएगी, फिर प्रकाशित होगी। तो आज से याद रहेगा, हम परमात्मा की चैतन्य ज्योति है और ये मिट्टी के दिए हैं, इतना ही याद रह जाए तो हाय हाय बंद हो जाए। लेकिन आप बड़े जिद्दी हो, हाथ जोड़ोगे, फूल माला पहनाओगे, हिलवा पूरी खिलाओगे, दक्षिणा दोगे, अब बात किसी मानोगे, ज्ञान की कि अपने मन अज्ञान की? जी ये सब लीला चल रही हो, कहते हम कथा सुन रहे हैं, कहते हम सत्संग कर रहे हैं, कहते हम बड़े गुरु के भक्त हैं, हम गुरु की फोटो ले रहे हैं, और गुरु की रामायण का पाठ कर रहे हैं, गीता का पाठ कर रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कर रहे हैं, है? हमारे सरदार साहब जानते होंगे, पता नहीं कौन बच्चे हैं, हत्या हो गई भैया, गुरु ग्रंथ साहब ने लिखा है कहीं? जी लिखा तो नहीं, क्या बात है, क्या अंधेर है, इस सब अज्ञान की लीला चल रही है। भूत से प्रेम निष्काम होता है, इस गुरुवाक्य को आप लोग ध्यान से समझें। अनेक की अनुभूति मन से होती है, अनेक की प्रतीति मन से होती है, अनेक के पीछे एक तत्व की अनुभूति निष्काम प्रेम से होती है। अनेक का दर्शन ये मन के द्वारा होता है, लेकिन अनेक में एक का ध्यान ये बुद्धि के द्वारा होता है। जब तक अनेक जन्मों में हमारी आपकी बुद्धि समुचित रूप में विकसित न हो जाएगी, तब तक ये दर्शन का द्वार बंद रहेगा। हम मानते रहेंगे लेकिन जान न पाएंगे। लेकिन सौभाग्य से जिनको गुरु सदगुरु के प्रति श्रद्धा हो गई है, यही वो द्वार है जिससे जानने का, जानने की दृष्टि हमें मिला करती है। हमें यह भी सावधान किया गया है कि जो जब तक हमारी मंद बुद्धि है,
तत्व यथार्थमाकरण मंदः प्राप्नोति मूढ़ताम। ये कितना सुंदर गुरुवाक्य है। जो मंद बुद्धि है, जब तक बुद्धि के ऊपर ये मोह लोभ ये पर्दे मल चढ़े हुए हैं, तब तक यथार्थ को सुनकर भी मूर्ता को ही मनुष्य प्राप्त होता है। और अभी अभी हमारी आपकी यही स्थिति है। गुरुवाक्य बड़े यथार्थ हैं, भगवद वाक्य बहुत यथार्थ हैं, एकदम सत्य की झांकी खुल जाती है, परंतु मंद बुद्धि के कारण हमारी मूर्ता का अंत नहीं होता। मूर्ता कैसे है? जो सोया हुआ है। सोए हुए का मतलब हमारी आंखें बंद हैं, ये सोना नहीं है। सोए हुए का सरल अर्थ है, कभी कभी हम और आप पाठ करते हैं, कोई पुस्तक पढ़ते हैं, पन्ना का पन्ना पढ़ जाते हैं, शब्द उच्चारण भी होता है, आंखें शब्द में लगी रहती हैं, लेकिन मन अर्थ का पता तक नहीं चलता। कभी कभी होश आता है, पूरा पन्ना पड़ गए, अर्थ पर ध्यान नहीं रहा। इसको कहते हैं सोया हुआ। सोए हुए देखना, सोए हुए चलना, सोए हुए भोगना, सारा जीवन बीत जाता है सोए सोए, लेकिन ज्ञान में प्रकाश में जो दर्शन होना चाहिए वो नहीं होता। ये सोया कौन है? तो हमें ये भी बताया गया है कि जिसका मन पदार्थों में अटका हुआ है, जिसका मन तन में अटका हुआ है, तन के आगे कुछ देखता ही नहीं है, जिसका मन तन की आयु को अपनी आयु मानता है, तन के जीवन को अपना जीवन मानता है, जिसका मन तन की सुंदरता को अपनी सुंदरता समझता है, तन की दुर्बलता को अपनी दुर्बलता समझता है, सारा जीवन तन के संभाल में, शरीर के संभाल में जिसका बीत जाता है, वो मूढ़ है। मूढ़ता की यही सरल अर्थ है। मूर्ता का अंत गुरु ज्ञान में ही संभव है, और वो गुरु ज्ञान श्रद्धा के ही द्वारा पकड़ में आता है। हम देख रहे कि हम जब तक तन में, धन में, परिवार के संबंधियों में अटके, अटके का अर्थ जहां जहां मेरा कहते, ये बड़ा सरल शब्द है मेरा। ये मेरा निकला नहीं कि हम अटका हुआ, अटके हुए का परिचय दे रहे। सबसे बड़ी भूल जो हमारे जीवन में हुई है और अभी तक चल रही है, वो इतनी ही कि जो मेरा नहीं है उसे हम अपना मान बैठे, अपना नहीं है उसे अपना मान बैठे। अहंकार की ये प्रथम कृति है, पहली कृति। अहंकार जो पहले कुछ करता है, सुनने का प्रभाव उस पर पड़ता है, उसका वो क्या है? जो अपना नहीं है उसे अपना मान लेता है। ये गुरुवाक्य आप बहुत सावधान होकर के सुने। अहंकार की प्रथम कृति, अहंकार ने पहले जो कुछ किया है, सबसे आरंभ में जो कुछ किया है, वो यही कि जो सुना उसे अपना मान लिया। श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है कि भगवान विष्णु के कानों के मैल से दैत्य उत्पन्न हुए, तो मधुकैटभ पुराणों में ऐसे रूपक हैं कि जिनके अर्थ गुरुजनों से ही समझ में आते हैं। कानों का मैल, मैल शब्द का प्रयोग किया गया है। ये सुनना, सुनने से ही ये दो राक्षस, दो दैत्य उत्पन्न हो गए, और उन दैत्यों ने ही सारे जीवन को घेर लिया है। सुनने से, सुनने का प्रभाव जो हम पर पड़ा वो यही पड़ा, मैं हूं और ये मेरा है। ये दो प्रभाव सुनने से पड़े। माता पिता ने हमें सुनाया, तुम हो, तुम बेटा हो, तुम भाई हो, ये माता पिता ने सुनाया, हमने सुन लिया। तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, काले हो, गोरे हो, हमने सुन लिया। और माता पिता ने आरंभ में क्या बताया? ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारे भाई हैं, बताते चले गए और हम सुनते चले गए और मानते चले गए। बस दो दैत्य उत्पन्न हो गए, मैं और मेरा। आज तक उन दैत्यों का वध नाश नहीं हो सका। आज तक दैत्य हमारी जीवन की भूमि को, यानी पृथ्वी को घेरे दिए, हमारी सारी जीवन, सारे जीवन में वो छा गए हैं। पूरा अधिकार इन्हीं दैत्यों का है, मैं और मेरा। मैं जब बोलता हूं तो कहीं बैठ करके बोलता हूं, मेरा जब बोलता हूं त
तब मैं अपने में कुछ रख करके बोलता हूँ, यही हमारी राक्षस की या दो दानों की विजय। जहां तक मेरा मेरा प्रतीत हो रहा है, ये क्या है जो अपने में रख लिया, जो अपने में नहीं रखा उसको हम मेरा नहीं कहते। आप लोग यहाँ आए हैं, ठहरे हैं, और जहां कहीं ठहरे हैं उसको आप मेरा नहीं कहते। जब मेरा नहीं कहते तो आपके भीतर लोग नहीं है। यहां पर आप कुछ देर के लिए भूले हुए हैं, मैं कहूंगा ये भूले हुए हैं, सुन रहे हैं, लेकिन जब कभी धक्का लगेगा, जब कभी आसपास कोई दिखाई पड़ेगा, तब मैं जागृत हो जाएगा और कहेगा मैं और मेरे साथ ये नीच ये ऊंच, मैं गरीब ये अमीर। इस तरह के भाव जब बुद्धि में प्रकट होते हैं, ये दैत्य की ही कृति है, और वो दैत्य तो हम आप ही सुना। एक जगह कहीं कहा गया है अहंकार के विषय में, ये कौन सा दैत्य है जिसका कि पता ही नहीं चलता कब जन्मा कब मरा, अनेकों बार जन्मता है अनेकों बार मरता है, और मरते जन्मते हुए भी ये सदा ही रहा करता है। इसकी मृत्यु भी विलक्षण, इसका जन्म भी विलक्षण। तो अहंकार की पहली कृति है कि जो अपना नहीं है उसे अपना मान लेता है, और ये हम सब लोग अभी अभी देखें। आप जितने श्रोता हो सुनो, जिसे अपना कहते हो, जिसे मेरा कहते हो, आपने बनाया नहीं है। जिसे मेरा कहते हो अहंकार उसका कितना अभिमानी है, जिस वस्तु को मेरा कहते हो अहंकार उसका कितना लोभी है, मोही है, अभिमानी है, ममता है, आसक्ति है, ये अहंकृति का परिणाम है। और अहंकृति कहाँ से शुरू हुई, जो मेरा नहीं उसे अपना मान लिया है। कल की चर्चा में आपको सावधान किया गया था कि छोड़ना कुछ नहीं, पकड़ना भी कुछ नहीं। अभी हम दो ही काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है कुछ हमसे छूटा हुआ है, और ऐसा लगता है कुछ हम पकड़े हुए हैं। जिसे मेरा कहते हैं वो हम पकड़े हुए हैं, और जिसे मेरा नहीं मानते वो छूटा हुआ है। ज्ञान में जब हम जागेंगे, अभी जाग जाएं, तो अभी अभी आपको दिखाई पड़ेगा कि जिसे मेरा कहते हो उस पर न तो आपका स्वतंत्र अधिकार है, न उसे आपने बनाया है, और न उसके साथ सदा रह सकोगे, और न उसके साथ हम और आप रह सकेंगे। इतना तो बड़ी आसानी से समझ में आता है। कौन अपने साथी के साथ रह सका, कौन पत्नी सदा पति के साथ रह सकी, कौन पत्नी पति के साथ रह सकी, पुत्र माता पिता धन भूम भवन जो मिला सब छूटा। तुम्हारे घर से जो चले गए हैं, छोड़ के गए हैं, लेके नहीं गए, लेकिन वो मेरापना उनके साथ गया है, उनके सूक्ष्म शरीर के साथ गया है। जब दूसरा जन्म वो धारण करेगा अहंकार, तो वहीं से मेरापना जागृत होना शुरू हो जाएगा। यहाँ का जो मेरा छूटा है वो तो गया, लेकिन मेरापने की ममता लोभ भीतर मौजूद है। उस ममता के आगे जो पदार्थ आएंगे फिर मेरा शुरू हो जाएगा, उससे फिर मोह शुरू हो जाएगा। पहले जन्म का मोह, पहले जन्म का लोभ, पहले जन्म का अभिमान, पहले जन्म के अहं के आकार छूट गए, लेकिन वो प्रीति हमारे साथ है जो अब इस जन्म के साथ ही वो हमारी प्रीति पदार्थों के साथ लोभमय बन गई, वो हमारे हृदय की प्रीत व्यक्तियों के साथ संबंधियों के साथ मोहमय बन गई। वही हमारी प्रीति जैसे जैसे कोई कहता गया तुम बड़े आदमी हो तो अभिमानमय बन गई। ये प्रीति ही प्रीति तत्व के अनेक रूप, और हम इसको देख नहीं पाते, और इन्हीं के कारण हम दुखी होते हैं। अहंकार की पहली कृति है, पहला कार्य है जो अपना नहीं उसे अपना मान लेता है। खूब सोच करके हम और आप देखें, जब हम नहीं थे तब पृथ्वी में कितना धन था, हीरे थे, मोती थे, भूमि थी, भवन थे। जब हम नहीं थे तब ये सब मौजूद थे, खूब सोच लो। और जब हम और आप शरीर छोड़ करके चले जाएंगे तब भी संपत्ति यही रहेगी, लेकिन परिवार यही रहेगा, लेकिन अधिकार यही छूट जाएगा, लेकिन हम अपना मान लेते हैं संपत्ति के पीछे लोग, इस संपत्ति के पीछे लोग, इस भूमि के पीछे अनेक लोग मरने और मारने को तत्पर रहते हैं। और विद्वान भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, अकड़ करके कहते हैं तुम हमारे सामने क्या हो, हमने जमाना देखा है, जमाना देखा है,
अपने को अभी तक नहीं देखा, अपनी भूल को अभी तक नहीं देखा, अपने भ्रम को अज्ञान को अभी तक नहीं देखा और अहंकार अकड़ करके कहता है मेरे काले बाल धूप में नहीं सफेद हुए, जमाना देखा है। अहंकार की गति तो देखो, अहंकार की कृति तो देखो। तो फिर सोच लो, जब हम नहीं थे तो पृथ्वी में सब कुछ था, धन था, स्वर्ण था, हीरे थे, मोती थे, भूमि थी, भवन थे, जो चले गए छोड़ के गए, हमारा शरीर भी यही छूटेगा, सब छोड़ के जाएंगे। लेकिन हमारी मान्यताओं के पीछे रहने वाला लोग, हमारी मान्यता के पीछे रहने वाला लोग, हमारी मान्यता के पीछे रहने वाला अभिमान हमारे साथ जाएगा। और आज भी ये सुनने के बाद भी हमारी आदत आसानी से छूटने वाली नहीं है, जिसके हम लोग ही हैं उसके पीछे, जिसके हम वो ही हैं उसके साथ, हम प्रतिकूलता को देख करके लड़ने को तैयार हो जाते हैं और शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्रोध करते हैं, और हम जान नहीं पाते कि परमात्मा से मिली हुई शक्ति का हम दुरुपयोग कर रहे हैं। सवेरे हमने 10,000 जप किया, नाम जपा, रामायण का पाठ किया, गीता के श्लोक पढ़े, व्यवहार में जब गए, दुकान बाजार में गए, या परिवार के बीच में जब काम करने उतरे, क्रोध आ गया, सवेरे का भजन सब चौपट हो गया। जो जब से वाणी शुद्ध हुई थी कटुवाक्यों से, कठोर वाक्यों से, झूठ से, वो वाणी फिर अशुद्ध हो गई। जैसे कोई बड़े साबुन से हाथ धोए तो फिर कीचड़ छू ले, वस्त्र कोई धोवे और वस्त्र में कोई गंदगी लग जाए, अशुद्ध होता है। तैसे भगवान के नाम से वाणी पवित्र होती है, सब कथा सुन करके कान पवित्र होते हैं, भगवान के विषय में मनन करने से हमारा मन शुद्ध होता है, और तत्व के ज्ञान से हमारी बुद्धि शुद्ध होती है। लेकिन उसी बुद्धि में जब संसार प्रपंच आ जाता है, अशुद्ध हो जाती है। वाणी से जब कटुवाच निकलते हैं, वाणी अशुद्ध हो जाती है। कानों से जब हम व्यर्थ चर्चा परनिंदा सुनते हैं, हमारे कान अशुद्ध हो जाते हैं। रोज रोज ये क्रम चल रहा है कि कदाचित लाखों लोग तो हैं जो साधन भजन जानते ही नहीं, लेकिन आप जैसे हम लोग सौभाग्य से भगवान को मानते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं, लेकिन नहीं जान पाते कि हमारा लोग, हमारे भीतर का मोह, हमारे भीतर का अभिमान हमारे साधन को अशुद्ध कर देता है, हमारी साधना को साधना में सिद्धि का द्वार बंद कर देता है। यदि हम साधन करते हुए, जप करते हुए, कीर्तन करते हुए क्रोध से, मोह से, अभिमान से बच जाते तो शायद भगवान से हमारी दूरी न थी, हमारी शुद्ध बुद्धि में नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव होने लग जाता, लेकिन हम अशुद्धि को नहीं संभाल पाते। आप लोगों ने देखा होगा आजकल एक लहर चलती है, पहले बंगाल से कीर्तन की लहर चली, अब एक देवी जागरण चला है, अब एक जवाबी कीर्तन चला है, रात रात भर जवाबी कीर्तन होता है, अहंकार होड़ लगाता है कि हम तुमसे ज्यादा जानते हैं, हम तुमसे अच्छा गाते हैं, हम तुमसे अच्छा कीर्तन कर लेते हैं, और प्रातः पुरस्कार का लोभ प्रबल हो जाता है कि हमारी जीत हो गई, पुरस्कार हमी को मिलना चाहिए। ये है साधन की शिक्षा लेकर। सत्संग न मिलने के कारण, गुरु की प्रति श्रद्धा न होने के कारण हमारी आज के समाज में साधना करते हुए, मंदिरों में जाते हुए, तीर्थों में स्नान करते हुए, कीर्तन जप करते हुए मनमुखी लोग सत्य को नहीं पकड़ पाते। जरा ही शंख बजाने वालों से बाबा से कह दो शंख न बजाओ थोड़ी देर। मेरी प्रार्थना है बाबा से कि ये बाधा न डालें। अब देखो यहीं पर कितनी मूर्खता का परिचय दे रहे हैं बिचारे ये साधु लोग। यहाँ चर्चा चल रही हो, शंख बजा रहे हैं जैसे भगवान बहरा हो, जीवन बीत जाएगा शंख बजाते, मन शुद्ध न होगा, बुद्धि शुद्ध न होगी, गुरु ज्ञान का अनादर होगा, और लोग मोह तुम्हारे जीवन को जकड़े रहेगा, तुम शंख बजाते रहोगे और भीतर की आवाज गुरुवाणी गुरुधुन तुम जीवन भर न सुन पाओगे। तुम्हें इतना भी होश नहीं है कि हजारों आदमी जो चर्चा सुन रहे हैं तुम शंख बजा रहे हो। ये तुम्हारी भगवान की पूजा नहीं है, ये तुम्हारी अहंकार की पूजा है। इन पूजाओं से हम लोग अहंकार को तप्त करते हैं। ये तुम्हारे खून नहीं है जो भगवान में चढ़ाते हो, ये भगवान की प्रकट के पुष्प हैं, ये खिले हुए हैं, अपनी सुवास फैला रहे हैं, लेकिन अहंकार उनको तोड़ करके और भगवान पर चढ़ाने की कल्पना करता है। जो परमात्मा
पर पहले ही सब चढ़ा हुआ है, जो प्रकृति पहले ही भगवान पर न्योछावर हो रही है। आज का अहंकार पूजा के बहाने मंदिरों में जाता है, हार बनाता है, जीवन बीत गया, मंदिरों में हार चढ़ाते, फूल चढ़ाते, लेकिन जो होना चाहिए न हुआ। चित्त की शुद्धि न हो पाई, मन की पवित्रता न हो पाई, अहं के आकार न मिट पाए। अब अंत में ये कहेंगे कि ऐसी पूजा करने वाले, ऐसे शंख बजाने वाले, ऐसे मंदिरों में जाने वाले, ऐसे मंदिर बनाने वाले बुढ़ाए गए और दुख न मिटे। अंत में आ गया बुढ़ापा और हाय हाय करते हुए गए, वाह वाह करते हुए नहीं जा सके। तभी हमारे सदा से प्रचलित है, लोग कहते हैं गुरुमुख और मनमुख। गुरुमुख का मतलब है जिसका मुख गुरु की ओर है, जो प्रतीक्षा करता रहता है क्या आज्ञा होती है, क्या गुरु वाक्य निकलते हैं, हमारे कल्याण के वाक्य, हमारे जीवन को मुक्त करने वाले वाक्य, हमारे दुखों का अंत करने वाले वाक्य कहीं चूक न जाएं, ऐसे ही न चले जाएं, उसको गुरुमुख कहते हैं। मनमुख किसे कहते हैं, जो मन आया किया, मन आया पूजा कर ली, मन आया जप कर लिया, मन आया पाठ कर लिया, मन आया तीर्थ चले गए, ऐसे मनमुखों को कभी मुक्ति नहीं मिली। गुरु नानक साहब तो मनमुख और गुरुमुख बड़ा प्रसिद्ध शब्द है पंजाब में। तो लोग कहते हैं गुरुमुख के हाथ का पानी न पीना चाहिए। वास्तव में हाथ क्या, गुरु जो गुरु की आज्ञा का आज्ञा पालन का सौभाग्यशाली नहीं है, उसका मन संसार की आज्ञाओं लोभी की आज्ञा मानता है। गुरुमुख नहीं मनमुख लोभी की मानता है, मनमुख कामी की मानता है, मनमुख अभिमानी की मानता है, लेकिन मनमुख वो है जो ज्ञानी की नहीं मानता। तो इतना कहने पर भी इन बाबा लोगों को होश ना आया कि हम बाधा क्यों डाल रहे हैं, उनकी पूजाएं चल रही हैं, अब जरा उनकी दशा तो देखो, हम कुछ ऐसे वाक्य कह रहे हैं कि थोड़ा चोट लगे और तुम्हारे भीतर की मानवता जाग जाए, पशुता बाधा डाल रही। पशु इसे कहते हैं जो ज्ञान पूर्वक कुछ नहीं करता, आदत के अनुसार करता है और अपनी मन की पूर्ति के लिए करता है। और हम और आप इस शब्द को बड़े ध्यान से सुन लें। मनुष्य का शरीर तो है, लेकिन मनुष्य अनेकों जन्मों से पशु रहा है और उस पशु रहने के कारण हमारे तुम्हारे साथ अब भी पशु है। और ये बहुत ध्यान से समझ लेना कि मनुष्य के साथ जो पशु है वही परमात्मा से मिली हुई शक्ति को नष्ट करता रहता है। काम में जो कामी है ये पशु शक्ति है, लोभी है ये आसुरी शक्ति है, राक्षसी शक्ति हमारे साथ दानव प्रकृति है, हमारे तुम्हारे साथ राक्षसी प्रकृति है, हमारे तुम्हारे साथ पशु प्रकृति है। ये परमात्मा की मिली हुई शक्ति को अहंकार की सीमा में नष्ट करती रहती है। गुरु ज्ञान में हम जाग जाएं अभी तो हमारे जागने का ये परिणाम होगा कि जो देखना चाहिए उसे देखेंगे और देखेंगे किसे, जो हम पकड़े हुए हैं, पकड़े किसे हुए हैं, जिसे मेरा कहते, मेरा और मैं, यही अहंकार का रूप है। तो खूब ध्यान से हमें समझ लेना है, हम और आप अपने पशु को जैसे पालतू जानवर रस्सी से बांधा जाता है, बैल को, भैंस को, बकरी को, गाय को लोग रस्सी से बांधते हैं। क्यों बांधते हैं? विश्वास नहीं है। क्या विश्वास नहीं है? खुल जाएगा तो हमारा ही खेत खाने लग जाएगा। अगर कोई ऐसा पशु होता, इतना उसे ज्ञान होता कि अपने अधिकार का भूसा खाता और मालिक के खेत गेहूं चना न खाता तो पशु कभी न बांधा जाता। पशु के बांधने का मतलब यही है कि उसे धर्म का ज्ञान नहीं है, उसे अपने पराये का बोध नहीं है, उसे स्वार्थ है, भूख लगी मालिक का गेहूं का खेत खाने लग जाएगा, घर में होगा तो आटा दाल सब खा जाएगा, इसीलिए पशु बांधा जाता है। हमारे आपके साथ पशु है और वो धर्म से यानी नीति से, धर्म से, कर्तव्य पालन से ये बांधा गया है। तब मर्यादाएं बनाई गई हैं, इस मर्यादा से चलो नहीं ये पशु शक्ति को नष्ट कर देगा। मर्यादाओं का मतलब है बंधन। धर्म की मर्यादा, कर्तव्य की मर्यादा, ये जो मानव के साथ लागू है हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत, मानव समाज के अंतर्गत, ये पशु को वश में करने के लिए पशु बांधा जाता है रस्सी से। परंतु हमारे मन को जो पशु, हमारे मन में जो पशु है वो व्यक्ति वस्तु से बंधी रहती है। जरा ध्यान देना, शरीर का बंधन रस्सी है, मन का बंधन वस्तु और व्यक्ति। जिस वस्तु को हम मेरा कहते हैं, जिस व्यक्ति को, संबंधी को हम मेरा कहते हैं, बस उसी से हम बांधे गए। कौन सोचता है, इतने लोग आप सुन रहे हो, ना पता हो तो आज पता होना चाहिए, पत्नी मेरी आप बंधे हैं, पति मेरे आप बंधे हैं, और इस बंधन को अभी तक न जान पाए, यही बंधन हमको तुमको दुख देगा।
यहाँ तक कि गुरु समझता है मेरे शिष्य, वो शिष्य से बंधा है, और शिष्य अगर गुरु ज्ञान में ज्ञान स्वरूप गुरु को न पहचान करके केवल शरीर को गुरु मानता है, वो भी गुरु से बंधा है। हमारे गुरुजनों ने सावधान किया है, गुरु पशु, गुरु पशु कोई गुरु का पशु है, नर पशु कोई नर का पशु है, नारी पशु कोई नारी का पशु है, जो नारी से आसक्त है वो नारी का पशु, जो गुरु के देह में आसक्त है वो गुरु का पशु, इसी तरह नर पशु जो नर के शरीर में आसक्त है वो नारी पशु, गुरु पशु नर पशु नार पशु, जो वेद के ज्ञान का अभिमानी है लेकिन ज्ञान में अपने सत्य स्वरूप को नहीं देख पाता है, वो वेद का पशु है, बोझा ढो रहा है, मस्तिष्क में वेद है, मस्तिष्क में वेद लादे हुए है लेकिन जीवन में प्रकाश से कुछ नहीं देख पा रहा है, वो वेद का पशु है। तो गुरु पशु नर पशु वही सराहनीय, वास्तव में सराहनीय मानव कौन है, जहाँ विवेक विचार, जहाँ विवेक के द्वारा विचार किया जाता है, क्या विचार, सत्य क्या है असत्य क्या है, जड़ क्या है चेतन क्या है, मेरा क्या है पर क्या है स्व क्या है, मैं क्या हूँ ये क्या है, इस प्रकार का विवेक में जो विचार करता है उसका नाम मानव है। यहाँ तो हमें ये भी ज्ञान अभी नहीं होता, इतना भी हम लोग अनेक लोग ज्ञान नहीं कर पाते, पेशाब कहाँ करना चाहिए, चट्टी कहाँ खेलना चाहिए, और चट्टी पेशाब करते हुए शुद्धि कैसे करना चाहिए, जीवन बीत गया लोगों को शौच यानी पानी से जो धोते हैं ये भी ना आया, क्यों पशुवत जीवन है, शुद्धि की क्रियाएं मालूम नहीं है। प्रत्येक विचारवान शिष्य को रोज गणेश क्रिया करनी चाहिए, जल लेकर के लोग चट्टी खेलने तो जाते हैं लेकिन पेशाब में जल का प्रयोग, पेशाब करते हुए जल का प्रयोग नहीं करते हैं, अशुद्धि रह जाती है, मूत्र के कण वस्त्रों में लगते हैं, इसीलिए कहा गया है अशुद्ध, अशुद्धि का दम तो भरते हैं कि हम तीन बार स्नान करते हैं लेकिन ये भीतर की इस प्रकार की शुद्धि का ज्ञान नहीं है। फिर मन की शुद्धि, वाणी की शुद्धि, नेत्र की शुद्धि, ये एक अलग प्रश्न है जो कि हमारे तुम्हारे साथ चलते रहते हैं, हम सावधान नहीं होते। आप सुन रहे थे कि जो बंधा है वो पशु है, तन बंधा है, पशु का तो तन बंधा है लेकिन हमारा तुम्हारा देख रहे कहीं मन तो नहीं बंधा है, और मन किससे बंधा है, अगर परमात्मा से बंधा है। तेरा ध्यान दो, पति के शरीर से अगर मन बंधा है तो पशु है, लेकिन पति में जो आत्मा को पहचान लेता है वो पशु नहीं है, वो पशुता से मुक्त है, उसको दुख न होगा, शरीर घटेगा, शरीर मृत्यु को प्राप्त होगा लेकिन आत्मा, पति की आत्मा अविनाशी, पुत्र की आत्मा अविनाशी, पुत्र में आत्मा अविनाशी, भाई और माता पिता में आत्मा अविनाशी। प्रत्येक संसार के नाम रूपों को प्रकाशित करने वाले चेतन स्वरूप आत्मा अविनाशी। मैं तो कहता हूँ अगर साधना में तुम्हें सफलता प्राप्त करनी है तो इस गुरुवाक्य को याद रखो, पति की देह में नाच को अटकना मूर्ता है, पत्नी की देह में नाच को अटकना मूर्ता है। पति भी देह के पीछे देह को प्रकाशित करने वाली, देह में चेतना दौड़ाने वाली, देह को बुढ़ापे तक दुर्गंध न आने देने वाली चेतना, उस चेतना को पहचानो, उसकी कभी मृत्यु नहीं, उसका कभी जन्म नहीं।